अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील कादरी दौलका से कुड़ी पंच में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे खलिया, मटन खलिया बताएंगे, और ये नियाज हो रही है और नियाज की जो बरकत होती है वो भी आपको पता चलेगा कि नियाज का जो खलिया होता है कितना टेस्टी होता है, और आपको टेस्ट करके बताएंगे। और अभी जो बन रहा है वो भी बता रहे हैं, आइए बताते हैं। ये खलिये की डेगे तैयार है, अभी ये खलिये का फोटो बताएंगे अंदर से। अभी ऊपर हरे धनिया डाले गए हैं और ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये राइस है, ये राइस भी तैयार हो गया है, उसके ऊपर भी धनिया और बिरस्ता डाला गया है, और इसके साथ रोटी होगी, और रोटी के साथ में दही रोटी और ये खलिया दूसरी और राइस, और उसके साथ मीठे में दूधी का हलवा है जो दौलके का फेमस है, वो तो हम अभी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अभी ये हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है बना है। ये नियाज है इसलिए अच्छा ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है खलिया, ये मटन खलिया है और ये इसके साथ दही है। दही भी अच्छा है। ये है पनीर, पनीर पुलाव, और यह है दूधी का हलवा जो हमारे गांव में या दौलिया में फेमस है। इंशाल्लाह जैसे मौका मिलता गया तो ये मिठाइयों की अगली रेसिपी भी बताएंगे हम। ये पनीर पुलाव है, पनीर पुलाव भी टेस्ट कर रही हूँ, बढ़िया है। इसमें पनीर भी डाला गया है, ये मटर है और ये दूधी का हलवा है। अच्छा है दूधी का हलवा भी, इतना मीठा भी नहीं है, डायबिटीज वाले भी खास।